नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, मारुति सुजुकी बेसिकली इंडिया के एक सबसे बड़े ऑटो कंपनीज है, और देखा जाए तो जितने सारे पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी है उनमें से सबसे बड़े कंपनी है। और मुझे मारुति का कुछ पॉइंट सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि इस कंपनी टोटली जीरो डेप कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी का वैल्यूएशन हमेशा सस्ता होता है। और तीसरी बात, कंपनी का परफॉर्मेंस हमेशा बेस्ट होता है। परफॉर्मेंस के बारे में एक बार बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं है, और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ में भी बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। अभी अभी एक बहुत शानदार तरीके से गुड न्यूज़ आया है। बताया जा रहा है कि मारुति सुजुकी टोटल सेल रेज 1,84,727 यूनिट। तो कंपनी टोटली सेल किया है 1,84,727 यूनिट्स, और वो भी सितंबर 2024 के डेटा के हिसाब से। क्या सही में कंपनी के सेल्स बढ़े हैं? अगर सेल्स का डेटा देखा जाए तो पिछले सालों में क्या था, पिछले साल में था 1,81,343 यूनिट। तो ओवरऑल कंपनी 1.87% का यहाँ पे सेल्स को इनक्रीज़ किया। तो यही खासियत पॉइंट है मारुति सुजुकी का कि वो हमेशा इस तरीके से बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ता है। और मुझे लगता है ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ये जो जर्नी देखने को मिला है, वो जर्नी कंपनी के लिए और भी आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी रहेगा। तो अभी देखिए, कंपनी ये टारगेट रखे है कि जो मार्केट है, इंडियन जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथेबल मार्केट है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी गाड़ी खरीदारी करेंगे। उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए कंपनी को अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा। अभी तक तो मारुति ईवीज को लॉन्च ही नहीं किया, तो 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तब उसके बाद मुझे लगता है मारुति सुजुकी एक अच्छा खासा धमाका कर सकते हैं, क्योंकि आज जो धमाका कर रहा है उससे भी ज़्यादा धमाका होने वाला है। क्योंकि मारुति के ऊपर लोगों का एक ट्रस्ट है, और लोग हमेशा मारुति के गाड़ी इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं। तो यही कारण के वजह से लोग इंतजार कर रहा है कि कब मारुति का जो ये आएगा, मतलब ईवीज आएगा, तो उसके ऊपर वो खरीदारी करेंगे। तो बेसिकली मारुति के ऊपर शायद इसीलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन 70% बाइंग का रेटिंग दिया है, मतलब अच्छा खासा बाइंग रेटिंग इस कंपनी के ऊपर दिया है। और मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक जर्नी करेगा। तो पहले देखिए, एक लेवल्स बना था, उसके अगेंस्ट में मैंने एनटीबी लिया था, मैंने आपको ये भी शेयर किया, ब्रेकआउट हुआ, कंपनी रिटेस्ट भी किया, उसके बाद देखिए कंपनी टारगेट को अचीव किया। अभी टारगेट अचीव होने के बाद कंपनी नीचे भी आए थे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो होगा, कोई भी टारगेट होने के बाद हमेशा प्रॉफिट बुकिंग होते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके बाद कंपनी यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश किया, और इस लेवल तक अगर पहुंचे तो कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से एक टारगेट अचीव होने का चांसेस होगा, सॉरी बेस्ट तरीके से फिर से एक पैटर्न बनने का चांसेस होगा। क्योंकि कंपनी देखिए ऑलमोस्ट एक कप तो बना चुके हैं, अब एक छोटा सा हैंडल पैटर्न बना दे तो एक बड़ा सा एंट्री पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी कंपनी देते रहते हैं, आपको उस अपॉर्चुनिटी को पहले वेरीफाई करके काम करना होगा, स्टडी करके काम करना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू पीसीसीएन लिमिटेड। देखिए, सोना बीएलडब्ल्यू इंडिया के ऑटो इंसिलरीज इंडस्ट्रीज में फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है। मुझे इस कंपनी के हर पॉइंट बेस्ट लगता है, हर पॉइंट बेस्ट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। देखिए, कर्जा ना के बराबर है, कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार है, सेल्स ग्रोथ 23% के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ 50% के आसपास है। हाँ, एक पॉइंट्स वीकनेस है, वो है कंपनी का वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कंपनी का बहुत हाई है, और इस हाई वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज बन सकता है। क्योंकि जब भी कोई इस तरीके से हाई वैल्यूएशन हो तो वहाँ पे कंपनी के ऊपर हमेशा एक चीज़ को नोटिस करना होगा कि कंपनी आगे बढ़ने में थोड़ा सा रुकावट हो सकता है। क्या सचमुच में रुकावट आया? आप ध्यान से देखना, इतने दिनों से जो कंपनी एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है वो बेसिकली वैल्यूएशन के कारण, क्योंकि कंपनी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए। जब भी मार्केट थोड़ा सा प्रेशराइज दिखा है तो वैल्यूएशन हाई होने के कारण कंपनी के ऊपर गिरावट हो रहा है। क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज में देखिए किस तरीके से करेक्शन हो रहा है। तो क्या मैं इस कंपनी से एग्जिट कर लूँगा? बिल्कुल नहीं। मेरा जो एंट्री पॉइंट था वो कुछ इस तरीके से शोल्डर, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने, और फाइनली यहाँ पे कंपनी के क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, और कंपनी क्या किया, यहाँ पे रिटेस्ट भी किए, और यहाँ से कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश किया। अगर यहाँ से ऊपर गया तो कहाँ तक जा सकते हैं? यहाँ से अगर ऊपर गया तो इस पीक लेवल तक जाने का चांसेस है, जो लेवल निकल कर है 828 के आसपास। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट एंट्री पॉइंट्स देखने को मिल सकता है, और टारगेट पॉइंट मिल सकता है
एंट्री पॉइंट्स तो पहले हो चुके हैं, और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उसी हाई के नीचे टारगेट बना है, और टारगेट कितना मिलेगा 34% के आसपास। तो इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। तो जो लोगों के पास पेशेंस नहीं है वो कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर सही कंपनी अपने पकड़ लिया तो उसका पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। शायद इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन 53% का टारगेट लेकर चल रहा है, मतलब 53% का टारगेट नहीं है, 53% बाइंग ट्रेंड लेकर चल रहा है। सेलिंग प्रेशर 33% है और होल्डिंग प्रेशर 13% के आसपास है। तो कंपनी का ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और रेवेन्यू तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो कंपनी के इतने सारे पॉइंट स्ट्रांग है, तो क्या उस कंपनी से मतलब पीछे जाना सही होगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। बाकी आपके हिसाब से क्या है जरूर कमेंट्स करना। एक जो कंपनी, उसका नाम है सुमितोमो केमिकल्स लिमिटेड। बेसिकली सुमितोमो केमिकल इंडिया के एक सबसे पॉपुलर कंपनी अभी बनने जा रहा है, क्योंकि कंपनी का अगर पेयर ग्रुप से बात करूँ तो देख सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज के बाद नेक्स्ट जो कंपनी है यूपीएल, उसके बाद है सुमितोमो केमिकल्स। देखिए सुमितोमो केमिकल्स बेसिकली एक जापनीज कंपनी है, इंडिया में सब्सिडरीज लेकर काम कर रहा है और इंडिया में मार्केट में लिस्टिंग भी है। और सुमितोमो केमिकल का बेस्ट पॉइंट क्या है आप जानते हैं? सुमितोमो केमिकल का बेस्ट पॉइंट यही है कि कंपनी के देखिए पूरा सेक्टर का हालत देखिए, एवरेज कंपनी के सेक्टर में टोटल 20 कंपनीज है, मतलब एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज में टोटल 20 कंपनी लिस्टिंग है। उनमें से एवरेज सेल्स है 8%, और कंपनी का सुमितोमो केमिकल का सेल्स ग्रोथ कितना है? करीबन 14.5% के ऊपर, और प्रॉफिट को देखिए सिर्फ 107%, जो एवरेज है 48%। तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी है आप देख सकते हैं। कर्जा 1 रुपया भी नहीं है, मतलब एकदम जीरो कर्जा है, और आरओसी भी बेस्ट है, और वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है इंडस्ट्रीज पीडब्ल्यूसी के हिसाब से। तो इसी वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है। बाकी कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से पैटर्न्स देखने को मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले देखिए कंपनी के ऊपर लाइफ टाइम हाई के ऊपर एक शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने, और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट भी किया एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी मोटा मोटी कर चुके हैं यहाँ पे, और कंपनी रिटेस्ट करने के लिए भी आ चुके हैं। तो फाइनली यहाँ पे एंट्री लेवल्स मिल चुके हैं। तो इस कंपनी को टारगेट कहाँ तक लेके चलूंगा? देखिए जो इसका कप का जो लो है, इस लो से अगर मैं ब्रेकआउट लेवल तक देखूँ तो जो टोटल रेंज निकल कर है वही रेंज को यहाँ पे मैं बिठा दूंगा। तो टोटल रेंज जो निकल कर है वही होगा मेरा टारगेट। तो जो टारगेट निकल कर है करीबन 744 के आसपास। देखिए केमिकल एक ऐसे कंपनी है वो आज नहीं तो कल भागेगा। लास्ट 2 ईयर्स में केमिकल कंपनी के उतना खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं, फिर भी मुझे लगता है सुमितोमो केमिकल का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये इसी तरीके से हायर हाई करते करते वो आगे बढ़ता है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वो ऊपर जाएगा, बाकी देखा जाएगा वो कब जाने वाला है। क्योंकि 37% का टारगेट अगर मुझे 6 मंथ टू 8 मंथ तक मिल जाए तो भी मेरे लिए बढ़िया रहेगा। तो मैं इस तरीके से ट्रेड को हमेशा कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अगर सही है तो उसके ऊपर मेरा भरोसा बढ़ जाते हैं। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं इस केमिकल कंपनी के ऊपर देखिए 86% बाइंग रेटिंग दिया गया है। तो मेरे हिसाब से मैं जो टारगेट लिया हूँ, मतलब मैं जो एंट्री पॉइंट्स को फॉलोअप किया हूँ, वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। तो बाकी मैं भी गलत जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे कोई भी चीज़ 100% होता नहीं है। तो चीज़ों को आप समझ कर स्टडी करके काम करिए, मेरे तरफ से रिकमेंडेशन तो कभी होता नहीं है। तो कंपनी के रेवेन्यूज़ देखिए, कंपनी किस तरीके से रेवेन्यूज़ को ग्रोथ किया, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ हुआ। जिस बार कंपनी का सेल्स डाउन हुआ उस बार कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन हुए। तो ओवरऑल कंपनी का सब बाकी पॉइंट्स तो ठीक है, अभी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या करे वो देख लीजिए। देखिए हम लोग सोच रहे कि कंपनी की इन्वेस्टर माल बेचकर भाग रहा है, उल्टा कंपनी FIs, DIs सारे व्यक्ति कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं। देखिए 3%, 4-5% अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। और बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जो कंपनी एक साल में बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस दिया, 18 रुपीज़ से 40 तक जर्नी किया और उसके बाद बिग क्रैश हो गया। अभी इसके पीछे रीज़न आपको बता दूँ, कंपनी देखिए बोनस एंड स्प्लिट का अपडेट दिया है। बोनस एंड स्प्लिट अगस्त मंथ में दिया था, तो कंपनी फिर से एक बार बोनस देने का अनाउंसमेंट करने जा रहा है। तो जल्द से जल्द इसका बोनस मिलने वाला है। तो कितना बोनस मिलेगा? 1:1 का यहाँ पे बोनस मिलने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।